अगर आप दिल से अगर चाह लेंगे कि नहीं हम अपने सब क्षेत्र के सरकार से बात करूंगा, सारे स्टेट के, हमारे जितने भी लोग हैं वहाँ से ट्रेन चला दीजिए, उनको बेचारे को ला दीजिए, बेशक आपके टोल फ्री नंबर काम नहीं करता है, आपने जो नोडल ऑफिसर्स के नंबर जो प्रसारित किया है कोई भी काम नहीं करता है, 100 कॉल लगाने के बाद एक कॉल मिलता है, कभी वो भी प्रॉपर जवाब नहीं मिलता है। हम उसकी व्यथा को समझते हैं क्योंकि हम उसका कॉल अटेंड करते हैं। हम दिल्ली NCR के अंदर दिन में नहीं तो कम 50-60-70 कॉल पीड़ितों का अटेंड करते हैं, उनकी परेशानी सुनते हैं, तो मन व्यथित हो जाता है कि कितने कष्ट में होगा। कुछ को मैं कर पाता हूँ, हम भी कुछ को मदद कर पाते, कुछ को नहीं मदद कर पाते हैं। लोग धमकाते भी हैं मुझे, उनको दे दिया मुझे नहीं दिया, लोग यह उम्मीद कर लिए हैं, हम एक समाज से भी है उससे, लेकिन जब हमसे लोग इतना ही उम्मीद कर लेते हैं तो सोचिए सरकार से कितना उम्मीद किया होगा उन्होंने। और सरकार का यह खुलेआम बयान, चलो ठीक है नहीं लाते, कम से कम इस बयान को आप अंदर ही रखते, यह नहीं दर्शाते खुलेआम यह बयान कि हम सरकार सक्षम नहीं है। आज मैं यह चीज़ पूछना चाहता हूँ सरकार से और माननीय सुशील मोदी से कि क्या अगर जिस हिसाब से आपने TV पर आकर ये कह दिया कि सरकार सक्षम नहीं है लाने में, अगर आप विपक्ष में आज होते तो आज क्या करते सरकार के, और आज सरकार को आप चड्डी उतार देते। और यह लोगों ने देखा है पहले कि हर अच्छे बुरे काम पे भी आपने सरकार का ऐसी तैसी किया, लेकिन आज अगर आप सरकार में मिल गए और आज सरकार में अगर आप हैं तो आप कह रहे हमारे पास साधन ही, नीतीश कुमार जी कह रहे हमारे पास साधन नहीं है, तो आप कह रहे हमारे पास साधन नहीं है, वाह रे राजनीति। और राजनीति कर किस पे रहे जिन्होंने आपको वोट किया। महाराज आप ये क्यों नहीं मानते कि वो लोग आपको वोट नहीं किया जिसके लिए आप परेशान हैं, जिसके लिए आप चिंतित हैं, बड़े लोग आपको वोट नहीं किया, बड़े लोग तो घर में ही पड़े रहे, उन्होंने तो बूथ पे गया भी नहीं, वो तो देखा कि शाम हो गया कि सुबह हो गया, धूप है कि नहीं है, भीड़ है कि नहीं है। लेकिन जो लोग आज बाहर हैं वो अपने पैसे खर्च करके बाहर से बिहार गया था पिछले बार और अपने पैसे हजारों खर्च करके आपको वोट दिया था, सुबह से एक उत्सव मनाते हैं वो, जो लोग आज बाहर है परेशान है वो अपने चुनाव को उत्सव के रूप में देखते हैं, कहीं भी होते हैं चुनाव से 10 दिन पहले घर पहुंचते हैं और अपने पसंद के सरकार चुनते हैं। लेकिन जब उनके ऊपर मुसीबत आती है तो उनके पसंद के सरकार उनको बिल्कुल नकार देती है कि मेरे बस की बात नहीं है, हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं। आखिर आपने ऐसा कहा क्यों कि हमारे पास सामर्थ्य नहीं, 15 साल आपके पास था, आप सरकार हैं हमारे, सामर्थ्य नहीं है तो सामर्थ्य की व्यवस्था भी आप ही को करना है, सामर्थ्य नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कह दो कि मेरे पास सामर्थ्य नहीं है तो ठीक है गद्दी छोड़िए, अगर नहीं सामर्थ्य है तब कुर्सी छोड़िए, दूसरे कोई आएगा उसको सामर्थ्य दिखाएगा। सरकार को यह कह देना कि हमारे पास सामर्थ्य नहीं है, यह तो भाई कोई किसी राजनीति में नहीं है, नहीं यह अच्छी बात है नहीं है, गार्जियन है हमारे, हम परेशान में है, एक बेटा परेशान हो गया, बेटा मर रहा है भूख से, बाप कहेगा मेरे पास पैसे नहीं है बेटा मरने दो बेटा को, नहीं, बाप चाहे कर्ज ले, बाप चाहे दूसरे के सामने रगड़ना पड़े उनको, लेकिन अपने बेटा को बचाने के लिए वो कर्ज लेगा, उनको खाना मुहैया कराएगा। और आप खुलेआम सीधे कह रहे हैं कि हमारे पास साधन नहीं है, कहते भी थोड़ा सा आपको मतलब सोचना चाहिए था, कैसे कह देते हैं आप ये सब इतने बड़ी बात, आप लोग बहुत बड़े राजनीतिक हैं, लेकिन उस पर जनता पे पब्लिक पे क्या असर पड़ेगी कभी आपने सोचा नहीं? सोचा। सरकार से मैं निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, बहुत परेशान है मजदूर, और इतना परेशान है कि जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं, आपके कोई भी नंबर काम नहीं कर रहा है, आपके कोई भी वेबसाइट काम नहीं कर रहा है, आपके कोई मंत्री फ़ोन नहीं उठा रहा है, आपके कोई विधायक फ़ोन नहीं उठा रहा है, आपके कोई सांसद फ़ोन नहीं उठा रहा है, वो इसलिए नहीं उठा, उसकी गलती नहीं है, वो इसलिए नहीं उठा रहे हैं क्योंकि वो इतने परेशानी को झेल नहीं सकते, इतने सारे फ़ोन आ रहे हैं, इतने सारे बात आ रहा है, उसमें कुछ लोग गर्म भी होकर बोलते हैं, कुछ ठंडा भी होकर बोलते हैं, लेकिन इतने प्रेशर वो झेल नहीं सकते, इसलिए वो बेचारे नहीं उठा रहे फोन। आखिर लोग जाए कहाँ,
आपने राज ठाकरे की बातों को नहीं सुना होगा।